logoa1.com बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। नमस्ते दोस्तों, मैं माया साहू gogoa1.com की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं पार्टनरशिप फर्म एंड उनके फीचर्स के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, मीन्स यह एक एग्रीमेंट होता है, पार्टनर्स को मिलकर यह एग्रीमेंट साइन करना होता है। दोस्तों, अगर इस एग्रीमेंट के कंटेंट्स की बात करूँ तो इसमें कुछ कंटेंट्स होते हैं लाइक कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, IT इंस्टीट्यूट है या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, या फिर नेचर ऑफ बिजनेस जो है उसके बाद में ड्यूरेशन क्या है बिजनेस का, 1 ईयर के लिए पार्टनरशिप फॉर्म हो रहा है या 2 ईयर्स के लिए फॉर्म हो रहा है, कैपिटल कितना लगने वाला है बिजनेस में, लाइक कि अगर 10 मेंबर्स है तो 1 लाख रुपीज़ ला रहे हैं, या फिर अगर बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होने वाले हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स कैसे शेयर करने वाले हैं, रेशियो क्या रहेगा, ये कुछ कंटेंट्स हैं पार्टनरशिप डीड के। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फीचर्स क्या हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट फीचर है दोस्तों फॉर्मेशन। यहाँ पर अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन बहुत ही ईजी हो जाता है। एज़ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर पार्टनर्स को एक एग्रीमेंट साइन अप करना होता है, जैसे कि मैंने बताया कि सारे पार्टनर्स एग्री होते हैं और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी मेंशन होते हैं एग्रीमेंट में, वो पार्टनर्स उसके लिए एग्री होते हैं। लाइक कि अगर बिजनेस रन होगा तो जो शेयर है प्रॉफिट का शेयर कैसे लेने वाले हैं, लॉस होगा तो फिर लॉस को कैसे बियर करने वाले हैं, या फिर वैलिड पर्पस क्या है, ये सारा जो है वो एग्रीमेंट में होता है। यहाँ पर मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं या और मैक्सिमम 50, एंड अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन या बैंकिंग फर्म है तो यहाँ पर 10 मेंबर्स होना कंपलसरी है। नेक्स्ट है दोस्तों लाइबिलिटी। यहाँ पर जो लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की, वो होती है अनलिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पर पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, बिजनेस के एसेट्स को तो सेल करना ही पड़ता है। उसकी प्रॉपर्टी सेल होने के बाद अगर लाइबिलिटी बचती है तो उनको अपने पर्सनल असेट्स से भी लाइबिलिटीज को पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी होती है वो दोस्तों अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो डिसीजन मेकिंग होता है वो सारे पार्टनर्स मिलके डिसीजन लेते हैं, एंड जो कंट्रोल होता है वो सारे पार्टनर्स मिलकर ही बिजनेस को कंट्रोल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसमें क्या करना पड़ता है, जो ओनर है वो अकेले ही पार्टनर बिजनेस के लॉसेस को बियर करता है, बट यहाँ पे जो रिस्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोस्तों, पार्टनर्स में। लाइक एग्जांपल लेते हैं, अगर बिजनेस को 20,000 का लॉस हो रहा है और अगर 4 पार्टनर्स है तो ईच पार्टनर को 5,000 ही लॉस बियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉस जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। नेक्स्ट है दोस्तों कंटिन्यूटी। अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूँ तो पार्टनरशिप बिजनेस ज़्यादा कंटिन्यू नहीं होता है, मीन्स इसका जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। क्योंकि अगर पार्टनरशिप बिजनेस दो लोगों ने मिलकर फॉर्म किया है तो अगर एक पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो क्लोज हो जाता है। अगर 4 मेंबर्स है लाइक एग्जांपल, तो उसमें से एक पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो अगर 3 मेंबर्स चाहें तो वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट यहाँ पर उन्हें जो पार्टनरशिप डीड है उसको रिन्यू करवाना होगा, मीन्स यहाँ पर चेंज हो जाएगा और न्यू पार्टनरशिप डीड फॉर्म हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूटी हुई दोस्तों। अगर मेंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए, एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स चाहिए। अगर बैंकिंग फर्म है तो यहाँ पर 10 मेंबर्स होना कंपलसरी है। नेक्स्ट है दोस्तों म्यूचुअल एजेंसी। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल एजेंसी मींस अगर किसी पार्टनर्स के एब्सेंट में जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो कोई डिसीजन लेते हैं तो उससे अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट सारे पार्टनर्स को शेयर करना होगा, लॉस होगा तो सारे पार्टनर्स को वो लॉस बियर करना होगा। ये कुछ फीचर्स थे पार्टनरशिप फर्म के। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ विजिट वेबसाइट www.gogoa1.com। थैंक यू।
gogoheaven.com बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर gogoheaven वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर और सप्लायर बिजली वाहन उद्योग में क्वालिटी एश्योरेंस कॉम्पिटेटिव प्राइस और एडवांस टेक्नोलॉजी gogoheaven एजुकेशन सिस्टम बिजली वाहन उद्योग में नॉलेज स्किल्स और एबिलिटी एक्सेलरेटर gogoheaven रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बिजली वाहन उद्योग में हर इंजीनियर किसान और इन्वेंटर की जान gogoheaven इंक्यूबेशन सेंटर बिजली वाहन उद्योग में नई सोच नया भविष्य नए स्टार्टअप का बुलंद साथीदार gogoheaven ओडीएम और ओडीएम सप्लायर ब्रांड आपका आइडिया आपका टेक्नोलॉजी हमारी Go, go, A1. Ride into the future.